दोस्तों, समुंदर की दुनिया पहले से बहुत ही मिस्टीरियस रहा है और तो और यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे क्रिएचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि बेहद ही डरावने होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अनोखे क्रिएचर से भरा भरा वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, चाइना में इस इंसान को पानी से कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि दिखने में किसी एलियन से कम नहीं लगता और तो ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही वायरल भी हो गया था और स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि मर चुका है, लेकिन फिर बाद में ये अचानक से कुछ इस तरह से अपना पैर को हिलाने लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई क्रिएचर है या कोई फेक वाली डॉल है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9। दोस्तों, आप जरा सोचो, आप कहीं जा रहे हो और आपको अचानक से ये डरावनी सी चीज नजर आ जाए तो आपका क्या हाल होगा? खैर, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि और कुछ नहीं बल्कि एक स्लॉथ है। और आपको बता दें, ये स्लॉथ पूरी दुनिया का सबसे स्लोएस्ट एनिमल है जो कि अपने स्लो मोशन के लिए जाने जाते हैं और ये जमीन में काफी स्लो होते हैं, लेकिन पानी में तैरते हुए इनका स्पीड थोड़ा बढ़ जाती है। नंबर 8। दोस्तों, यहाँ पर ये दो बंदे घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें कुछ ऐसा दिख जाता है जो कि बेहद ही अजीब था। दरअसल इन्हें पत्थर के ऊपर कुछ अजीब सा नजर आता है जो कि दिखने में एक मरमेड यानी एक जलपरी की तरह ही होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में कोई मरमेड है या फिर एक सील है, क्योंकि जो सील नाम की जानवर है ना, ये भी कुछ ऐसा ही दिखती है। नंबर 7। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बंदे को पानी के अंदर कुछ ऐसा दिखा जो कि बेहद ही अजीब था और ये इंसान जितना आगे बढ़ता रहता है तो ऐसा लगता है जैसे कि अजीब सी चीजें इस बंदे को ही देख रहे हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी एलियन की कॉलोनी में आ गए हो। वैसे क्या आपको भी पानी के अंदर कुछ ऐसा वाला अजीब सी चीजें मिले, मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 6। दोस्तों, इससे देखकर आप क्या बोलोगे, मतलब ये अनोखा क्रिएचर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से खत्म, इसका कुछ भी पता नहीं लगता। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अनोखा क्रिएचर जर्मनी में मिला है और ये मिलने के बाद इसे रिसर्च के लिए जब भेजा गया तो वहाँ पर भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लग पाया। नंबर 5। दोस्तों, सिंक होल कितना खतरनाक होता है आप इस वीडियो में देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इतने सारे और बड़े बड़े पेड़ भी इसके चपेट में आकर गायब हो जाता है, इसलिए सिंक होल से आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और आप इस वीडियो बनाने वाली बंदे की तरह वीडियो बनाने की गलती मत करना, बल्कि उस जगह से जल्दी से भाग जाना। नंबर 4। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग समुद्र की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं और तभी अचानक से इस बंदे के पीछे कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है और यहाँ पर इस अजीब सी क्रिएचर के हाथ में 5 उंगली देखने को मिलते हैं जो कि हम इंसानों के उंगलियों से काफी मिलता जुलता है, जिसके चलते कई लोग इसे मरमेड होने का दावा कर रहे हैं। वैसे आपके हिसाब से क्या सच में जलपरी होते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे पानी से कोई भूत निकल रहा है, लेकिन आपको बता दें, ये कोई भूत वगैरह नहीं बल्कि पत्थर से बना हुआ स्टैचू है। और तो यहाँ पर श्री गणेश जी के मूर्तियों के साथ साथ गौतम बुद्ध और बाकी भी बहुत ही सारे स्टैचू यहाँ पर मौजूद है, जिसके चलते आइलैंड में मौजूद विक्टोरिया नाम से जाने जाता वाला ये पार्क बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 2। दोस्तों, यहाँ पर पानी में कुछ बेहद ही अजीब सा बड़े आकार वाली गोल शेप में अचानक से कुछ दिखाई देने लगता है जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो पानी के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा और अजीब सा जानवर मौजूद है, जिसके चलते जब ये बंदा इस पर पत्थर मारने लगता है तब इस पर किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 1। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो आखिर ये चीज है क्या, मतलब ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे हम दिवाली पे घर को लाइट से सजाते हैं ना, उसी तरह इसके बॉडी में भी किसने लाइट लगा दिया है। हालांकि ये लाइट इसकी नकली नहीं बल्कि असली है, मतलब हमारे समंदर की दुनिया भी कितनी अजीब सी क्रिएचर से भरा पूरा है ना। खैर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता ही रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।